नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम टीपी में। आज हम रोज़ प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। रोज़ प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि हर कोई अपने गार्डन में रखना चाहता है। थोड़ी मेंटेनेंस ज़्यादा लगती है, थोड़े नखरे ज़्यादा होते हैं इसके। जैसे हर खूबसूरत चीज़ के नखरे होते हैं, वैसे ही गुलाब के भी अपने नखरे हैं। लेकिन एक बार जब आप इसे ग्रो करने लगेंगे, जब आप इसके साथ घुल मिल जाएंगे, तब आपको शायद उतना तंग ना करे और बहुत ही अच्छा ग्रो होगा। बहुत ही अच्छी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल माना जाता है गुलाब का। हर एक कलर जो इसका होता है, उसका एक अपना अलग प्रतीक होता है, उसका एक अपना अलग मीनिंग होता है। शायद इसीलिए हर एक गार्डनर रोज़ ज़रूर लगाना चाहता है, या जो गार्डनर नहीं है उसको भी रोज़ फ्लावर जो गुलाब का फूल है वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसलिए बोल रहा था कि इसके अपने नखरे होते हैं और आपको थोड़े दिन समय लग सकता है एडजस्ट होने में, क्योंकि जब मैंने भी गुलाब लगाना शुरू किया था तो नर्सरी से लेके आना लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन घर में खुद कटिंग ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं कम से कम 10-15 कटिंग्स लगाया था और उनमें कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये फर्स्ट कटिंग है मेरा जो कि सक्सेसफुल हुआ है, और आप देख सकते हैं मैंने इसको छोटे से प्लास्टिक के डब्बे में लगाया और अब ये ज़रूर लग चुका है और अब प्लांट बनने के लिए तैयार है। जैसा आप देख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो चुके हैं इसको जब से मैंने कटिंग लगाया तब से, और ये मेरा फर्स्ट कटिंग है जो ग्रो किया है। मैं इसीलिए इसका वीडियो बना रहा हूँ, बट एट लास्ट सक्सेस मिला है मुझे इस चीज़ में। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने अभी आज ही 5 और कटिंग्स उसके बाद मोटिवेट होकर लगाया हूँ। इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, बट स्टिल जो पहले लगाया था उससे प्रोग्रेस ही होना चाहिए, और उससे मोटिवेट होकर मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें बस छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना रहता है कि स्टेम जो है उनके थिकनेस ऐसे ही होने चाहिए जैसे आपको इसमें दिख रहे हैं। और जब आप लगाएं तो या तो उसमें रूटिंग हार्मोन का यूज करें, उसमें जो उसके मिट्टी में जिस पार्ट को आप डाल रहे हो, या तो आप हनी भी उसमें डिप करके और लगा सकते हैं, या दालचीनी। उससे क्या होता है कि उसके रूट्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और स्टेम इस्टेब्लिश होने में बहुत, रूट्स जर्मिनेट होने में बहुत फ़ायदा होता है। देखते हैं इनका रिजल्ट क्या रहता है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।